आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F55 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन का इंटरनेट स्लो चलता है तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। इसके लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट या फिर रीसेट नेटवर्क सेटिंग आपको लिखना है, ठीक है। तो नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, इसे टैप करना है। अब देखिए इस पेज में जो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वाईफाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग के साथ रीसेट हो जाती है। आपको इसे रीसेट सेटिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस पेज में रीसेट का ये ऑप्शन आखिरी बार टैप करना है, तो नीचे लिखा हुआ आ जाता है नेटवर्क सेटिंग रीसेट। इस तरीके से नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं कोई भी, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए, ठीक है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और जीमेल आईडी का पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।